अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे सबसे अच्छा क्या लगता है सिखों में पंजाबियों में, डेट इज भांगड़ा। अरे भाई बजाओ यार। तो आज लखनऊ की इस दर्शन सीरीज हैशटैग डिवाइन सूत्रा में जिक्र होगा लखनऊ की एक ऐसी लोकेशन का जिसके बारे में आपने सुना होगा या थोड़ा सा कम सुना होगा, और वो जिक्र है सिखों की खालसा पंथ के लखनऊ कनेक्शन का, यानी सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी और उनके 10वें गुरु गुरु गोविंद जी के बारे में। तो आज गुरु नानक देव जी के इस पावन पर्व पर मैं बात करने वाला हूँ लखनऊ के सबसे पुराने गुरुद्वारे के बारे में, यानी कि यहियागंज गुरुद्वारे के बारे में। अरे जनाब, यहियागंज नहीं अहियागंज होता है। तो क्या ऐसे नाम को लेकर आपको भी कंफ्यूजन होता है क्या? डोंट वरी, मैं इन सारे नाम के कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक स्पेशल वीडियो आपके लिए जरूर बनाऊंगा। फिलहाल लखनऊ के सबसे पुराने सिख धर्म के पवित्र स्थलों में से एक ये अहियागंज का गुरुद्वारा 300 साल से भी ज़्यादा पुराना है। तो गुरुद्वारे में जाने से पहले हम यहाँ की ना लोकेशन आपको समझा देते हैं। तो अगर आप लखनऊ के हैं तो प्रॉपरली जानते होंगे कि कैसे आना है, लेकिन जो लखनऊ से बाहर के हैं उनके लिए बताना चाहूँगा कि आप यहाँ पे नियर बाय चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट है उसके थ्रू चारबाग बस स्टैंड के थ्रू इजीली यहाँ पे कैब करके आ सकते हैं। अगर आप बस स्टैंड के थ्रू आना चाहते हैं तो चारबाग नियर बाय बस स्टैंड वहाँ से भी आप आ सकते हैं, और अगर आप रेलवे स्टेशन के थ्रू आना चाहते हैं तो यहाँ पे नियर बाय चारबाग रेलवे स्टेशन है उसके थ्रू आप कैब करके यहाँ पे आ सकते हैं। सबसे पास का जो लैंडमार्क है वो है नादान महल। नादान महल के पास में ही ये आपको यहियागंज यानी कि अहियागंज गुरुद्वारा आपको मिल जाएगा। वैसे ये गुरुद्वारा अगर आप बाहर देखेंगे तो आपको लगेगा काफ़ी छोटा है, लेकिन जैसे ही आप अंदर जाएंगे यहाँ भी आपको वैसा ही वातावरण मिलेगा जैसे कि अन्य धार्मिक स्थलों पर मिलता है। गुरुद्वारे में ही एक आर्ट गैलरी भी है जहाँ पे सिख धर्म से संबंधित अनेक घटनाओं को दिखाया गया है। साथ ही साथ गुरुद्वारे में एक अखंड ज्योति हमेशा प्रज्वलित रहती है, जब भी आप यहाँ पे आए उसके दर्शन करना बिल्कुल मत भूलें। ऐसा माना जाता है कि अपने जीवन के दौरान गुरु तेग बहादुर जी ने नए प्रचार केंद्रों की स्थापना और पुरानों को नवीनीकृत करके धर्म की जड़ों को मजबूत करने के लिए देश भर में कई तीर्थ यात्राएं की। ऐसी ही एक यात्रा पर वहीं 1670 में गुरु तेग बहादुर सिंह जी वाराणसी अयोध्या और जौनपुर के रास्ते पटना साहिब से यात्रा करते हुए 3 दिनों तक यहियागंज गुरुद्वारे में रहे थे। वे जहाँ ठहरे थे लखनऊ में उसी जगह पर उनकी याद में ये यहियागंज गुरुद्वारा बनाया गया। वहीं 1672 में सिखों के 10वें गुरु यानी गुरु गोविंद सिंह जी भी यहाँ पर 2 महीने 13 दिन तक रुके थे, और इसी गुरुद्वारे में स्वयं उनके द्वारा लिखे गए 2 हुक्मनामे यानी हस्तलिखित चिट्ठियाँ और 1 मूल मंत्र भी संग्रहित है। हुक्मनामों में नाम जपो, ध्यान करने और वाहे गुरु का जाप करने का निर्देश दिया हुआ है। इसके अलावा उनके द्वारा भेजी गई गुरु ग्रंथ साहिब भी यहाँ रखी हुई है। बताया जा रहा है कि ये उनके शिष्यों द्वारा हस्तलिखित है। यह गुरुद्वारा सिख धर्म का न केवल एक धार्मिक स्थल है बल्कि उनकी संस्कृति और इतिहास का भी एक अभिन्न अंग है। और इसके अलावा ना, जो लोग सिख धर्म के इतिहास और संस्कृति को जानने में रुचि रखते है ना, उनके लिए भी यह गुरुद्वारा काफी महत्वपूर्ण है। इस गुरुद्वारे की मान्यता है कि यहाँ पे अगर आप सच्चे दिल से कुछ मांगते हो ना तो आपकी अरदास जरूर पूरी होती है। और अगर हम बात करें गुरु नानक देव जी की जयंती के बारे में, तो गुरु नानक देव जी की जयंती को पूरी दुनिया में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, स्पेशली इंडिया में और पाकिस्तान में इसे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है। गुरु नानक देव जी के जन्म दिवस के इस पावन पर्व पर गुरु ग्रंथ साहिब का 48 घंटे का अखंड पाठ रखा जाता है। साथ ही साथ प्रभात फेरी का एक समूह गुरुद्वारे से शुरू होता है और शब्द को गाते हुए आगे निकलता है।
से सचरार को से भी सच एक ओंकार सत्यनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सर्व गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक से भी सच एक ओंकार। तो अभी हम आ चुके हैं गुरुद्वारे के लंगर में और जानते हैं यहाँ के लंगर के बारे में किसने शुरुआत की और क्या टाइमिंग वगैरह है। ये लंगर की शुरुआत जो है हमारे पहले पातशाह गुरु नानक देव जी द्वारा लंगर की प्रथा चली और यहाँ पे किसी का भेदभाव नहीं, कोई आए कोई खाए ले जाए, सबको कोई मनाही नहीं है। अच्छा, जैसे कि मैंने लंगर में देखा है, मतलब मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, तो फूड वगैरह को लेकर काफ़ी अच्छे से बताया गया है कि आपको मतलब ये छोड़ना नहीं है, आपको दोनों हाथों से करना है, तो आपको मतलब ये जो चीज़ें हैं इससे क्या हमारे संस्कृति पर असर पड़ता है, हमारी सभ्यता पर असर पड़ता है? देखिए वो तो मर्यादा में रहना है, गुरु प्रसाद है ये और इसको यही कहा जाता है कि जितना खाना उतना लीजिए, जूठा ना छोड़िए। संडे को जो है यहाँ एक मैंने 1 बजे शुरू होता है और 4-5 बजे तक चलता है और बृहस्पति शाम को रात में 9 बजे और सैटरडे को भी लंगर होता है और जो हमारे और भी गुरु पर्व हैं उनका भी होता है, दिन में भी होता है और उनका अगर श्राद्ध शाम का प्रोग्राम होता है तो उनको शाम का भी लंगर चलता है। अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे गुरुद्वारे के लंगर में। भैया यहाँ पे जो खाना मिला है ना वो काफ़ी डेलीशियस है। अभी आपका ये सब्जी है, रोटी है और चावल है, तो रूल्स यहाँ ये रहते हैं कि भैया आप एक हाथ से रोटी नहीं ले सकते, आप खाना जूठा नहीं छोड़ सकते, और ये चीज़ तो लगता है कि ना कहीं ना कहीं बहुत अच्छी चीज़ें हैं जो हमारे संस्कृति में और हमारी सभ्यता में होनी चाहिए। तो चलिए अब जानते हैं यहाँ के लोगों से कि उनको गुरुद्वारा में आकर कैसे प्रतीत होता है। हम लोग गुरुद्वारे में बहुत सालों से आते हैं, हम लोग को बहुत ही शांति मिलती है आके, यहाँ पे बहुत ही अच्छा लगता है। हम लोग के बच्चे बहुत छोटे छोटे से तब से हम आते हैं यहाँ, गुरु तेग बहादुर जी के चरण पड़े हुए हैं, सुख मिलता है, शांति मिलती है। हम लोग कितने सालों से आ रहे हैं, हमारे बच्चे इतने बड़े थे तब से आ रहे हैं, वो अब उसके बच्चे इतने बड़े हो गए। यहाँ की सबसे अच्छी चीज़ आपको क्या लगती है? गुरु ग्रंथ साहिब जी। कहते हैं बच्चे ना भगवान का रूप होते हैं, तो आज इन्हीं छोटे छोटे ना नन्हे मुन्ने भगवान से पूछते हैं कि वो यहाँ पे आकर के कैसा फील करते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? अंगदिति। अरे ये तो गुरु जी का भी नाम था ना किसी। वाह, तुम्हें क्या आता है? एक ओंकार तते नाम करता पुरख निर्भव अकाल मूल अदूनी सर्व गुरु करता वाहिगुरु जी का करता वाहिगुरु जी पते। बात है यार, तुमने तो ना बहुत बढ़िया इमोशनल कर दिया यार, इतना अच्छा तुम का मतलब बोल देते हो। कचब वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। 10 पातशाहियां के नाम 9वीं पातशाह गुरु तेग बहादुर जी, 10वीं पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी, 10 पातशाहियां दी जोत तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। हमारे जो बच्चे बोल रहे हैं आलमबाग गुरुद्वारे में, इन लोग की टीचर सिखाती है सब कुछ, तो मतलब काफ़ी यही ना हमारी संस्कृति है जो हम अपने बच्चों में देखते हैं। वैसे ये सभी चीज़ें गुरु पर्व के 10 दिन पहले से ही शुरू हो जाती हैं, इवन गुरु पर्व के कुछ दिन पहले से ही नगर कीर्तन का आयोजन किया जाने लगता है और गुरुद्वारों को काफ़ी सजाया जाता है। मैं अपनी स्पेशली बात करूँ तो मुझे सबसे अच्छा लगता है कि गुरु पर्व के समय गुरुद्वारों का इतना सजाया जाना, वहाँ पर लंगर का प्रबंध किया जाना, आतिशबाजी का होना, साथ ही साथ हर समय गुरुवाणी का होना, जिससे ना आपके कानों को इतना सुकून मिलता है ना कि आप अलग ही दुनिया में अपने आप को महसूस करते हैं। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि जब भी आप किसी भी गुरुद्वारे में जाएं तो वहाँ पे जो गुरु ग्रंथ साहिब के भजन होते हैं ना उनको साथ में बैठ के ज़रूर गुनगुनाएं, आपके दिल को बहुत सुकून मिलेगा। जो बोले सोने ना। तो ये था आज गुरु पर्व स्पेशल हमारा प्यारा सा गुरुद्वारा वाला व्लॉग। कैसा लगा आपको बताइएगा जरूर हमारे कमेंट सेक्शन में। बाकी और अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नई लोकेशन के साथ, तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग विद मी। बाय बाय।